तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सीधा साफ बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप अलग अलग कैटेगरीज के एक ही यूट्यूब चैनल पे वीडियोस वगैरह अपलोड करते हो तो क्या इस टाइप का चैनल मोनेटाइज होगा भी या नहीं होगा या बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक तो वीडियो को पूरा देखना। तो गाइज, बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये बात नहीं पता होगा जो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, शायद आप लोगों को भी नहीं पता हो, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का एक यूट्यूब चैनल है और उस पर आप दो टाइप के वीडियोस वगैरह अपलोड करते हो, मतलब अलग अलग कैटेगरीज पे आप वीडियोस वगैरह अपलोड करते हो, लेकिन वहाँ पे एक सिंपल सेटिंग होता है जो कि आप लोगों को नहीं पता हो, जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे होता है क्या ना कि नॉर्मली आपका कैटेगरी है म्यूज़िक का, ठीक है, या फिर कुछ और कैटेगरी अलग है, ठीक है। वहाँ पर कैटेगरी तो काफ़ी सारा होता है वहाँ पर, लेकिन आपने एक सिलेक्ट करके रखा है। अब वहाँ पर मान लो म्यूज़िक का है तो आप वहाँ पर कभी मतलब ब्लॉग वीडियो डाल देते हो, या फिर एजुकेशनल पर्पज़ पे वीडियोस वगैरह डाल देते हो, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी होता है, इंस्टाग्राम के बारे में बात करने लग जाना, या फिर व्हाट्सएप के बारे में बात करने लग जाना, मोबाइल के बारे में बात करने लग जाना, लैपटॉप के बारे में बात करने लग जाना, इस तरीके के वीडियोज़ वगैरह आप अपलोड करने लग जाते हो म्यूज़िक वाली कैटेगरी में, ठीक है। तो क्या आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये डर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो सिंपली मैं बता दूं, सबसे पहले तो ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे होता क्या है ना कि जितने भी आपकी ऑडियंस है ना, वो मान लो म्यूज़िक सोचकर आई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने म्यूज़िक डाला था, उसके बाद अभी आप कुछ और करने लग गए, ठीक है। मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे उनको शायद पता होगा कि मैं जब स्टार्टिंग किया था ना, मैंने जब यूट्यूब चैनल अपना क्रिएट किया था, तो उसमें क्या हुआ था ना कि मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता था, और ब्लॉगिंग करते करते मैं बीच बीच में कुछ कुछ मतलब सिखाने वाली वीडियोस वगैरह भी अपलोड करता था, ठीक है। हालांकि मज़ा तो मेरे को दोनों में आता था, ठीक है, दोनों में ही मज़ा आता था मुझे, और लेकिन ज़्यादा रिस्पांस मिलता था मुझे ब्लॉगिंग में, ठीक है। लेकिन ब्लॉगिंग को मैंने वहाँ पे थोड़ा स्टॉप किया, क्योंकि वो मेरा खुद का कुछ था पर्सनल, इसलिए मैंने स्टॉप किया। लेकिन ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट था भाई, तभी मैंने इसको स्टार्ट भी किया था, ठीक है। तो हुआ क्या ना कि एक ही यूट्यूब चैनल पर मैंने डबल डबल वीडियोस वगैरह डालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक डर होता है कि पता नहीं मेरा चैनल मोनेटाइज होगा भी या नहीं होगा, या फिर सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, मेरा वेस्ट है भाई, इतना मेहनत में कर रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो इतना जो भी आपका कन्फ्यूजन है इस टाइप का आपके माइंड में, मेरे माइंड में तो था, मेरा क्लियर हुआ, अब मैं आप लोगों का क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी लाइक कर दो, और बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बिल्कुल आपका चैनल मोनेटाइज होगा। लेकिन वहाँ पे आप लोगों को एक सेटिंग करना पड़ता है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, खास करके नए बंदों को नहीं पता होता है, ठीक है। पुराने बंदों को भी नहीं पता होगा, क्योंकि पुराने बंदे ना इससे गलती करते ही नहीं है। ज़्यादा बेहतर ये होता है ना कि आप एक ही टाइप की वीडियोज़ वगैरह अपलोड करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्या जरूरी है यार मिक्स कंटेंट यूज़ करना, उससे होता है क्या ना कि मान लो आपने कपड़े का दुकान शुरू में खोला, अब अचानक से उसमें आप आटा चावल बेचने लग जाओगे तो कौन आएगा भाई वहाँ पे। लेकिन आपका जो फेस वैल्यू बना रहता है ना, तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे आते हैं कि बंदा ठीक है, सामान सही देता है, सही रेट भी है इसका, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मोनेटाइज तो आपका होगा चैनल, लेकिन उसके लिए भी एक सेटिंग होता है जो कि आपको YT स्टूडियो में करना पड़ेगा, वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो गाइज देख सकते हो आप लोग, मैंने YT स्टूडियो को ओपन कर लिया है, यहाँ पे कंटेंट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे जितने भी वीडियोस वगैरह मेरे हैं वो सारा कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। बहुत सारे वीडियोस मैंने यहाँ पे मतलब प्राइवेट करके रखा है, ठीक है। तो इसको मैंने अभी मतलब पब्लिश करके नहीं रखा, प्राइवेट करके ही रखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सिंपली इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसका जो कैटेगरी है क्या है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको नीचे करेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए पीपल एंड ब्लॉग्स, ठीक है। तो ये वाला मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। अब दूसरे वाले को भी ओपन करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ मतलब किस किस कैटेगरीज पे मैंने वीडियोस वगैरह बनाया था, और यहाँ पे किस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से मैंने आपको दिखाना दूसरी वीडियो में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसकी देखिए रैंकिंग वगैरह भी सही है, ब्लॉग वीडियो चलता था भाई, लेकिन वो बाद में ब्लॉगिंग का देखेंगे। यहाँ पे देखिए और भी ब्लॉग वीडियोस वगैरह है, आप चाहो तो चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली देखो, UGC अप्रूवल कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह जो लिखा है
इसके ऊपर सिंपली क्लिक करता हूँ। ये वीडियो भी ठीक है, 7 रैंक पे है, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन पे आता हूँ, यहाँ पे फिर नीचे में जाता हूँ, ठीक है। तो नीचे जाने के बाद देखिए, इसको एजुकेशनल पे रखा है मैंने, ठीक है, कैटेगरी इसका मतलब सिलेक्ट करके रखा है ये वाला। अब इसके ऊपर सिंपली मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब जिस टाइप के वीडियोस वगैरह आप अपलोड करते हो उस टाइप का, मतलब यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इंटरटेनमेंट टाइप अगर आपका मतलब वीडियो है तो आप इंटरटेनमेंट टाइप के अगर वीडियोस अगर अपलोड करते हो मतलब, तो आप इंटरटेनमेंट पे क्लिक करना आपका हो जाएगा। अगर गेमिंग पे करते हो तो गेमिंग पे क्लिक कर देना, म्यूज़िक का है तो म्यूज़िक पे क्लिक कर देना, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है, मेरा जो कैटेगरी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे दूसरी वीडियो को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो दो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है, और कौन सा दिखाऊँ आपको, ये वाला भी देख लो, इस पर भी शायद एजुकेशन है। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद फिर से कैटेगरी पे क्लिक किया उसका, हाँ देखिए इसका भी वही है। तो ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, तो बहुत ही आसान है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वैसे तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप मिक्स कंटेंट यूज़ ना करो, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में कर दिया था इसलिए मैंने मतलब जो भी है यहाँ से इसको चेंज करके रखा है, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था, मुझे पता चला उसके बाद। अब इस वाले वीडियो को देखो, हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये मेरा वीडियो वायरल हो गया भाई। सिंपली मैंने क्लिक किया, कैटेगरी पे क्लिक किया, तो ये वाला एजुकेशन पे है, इसको तो मैंने देखा ही नहीं था। इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे इसको रखना है। हाँ ये ठीक है, रियल में मेरा यही कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, सिंपली सेव हो जाएगा ये। तो देख लिया मैंने कितने आसान तरीके से, अच्छा तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस है भाई, मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी वीडियोस वगैरह अपलोड किया था, जिसको अभी मैंने प्राइवेट करके रखा है, ठीक है, क्योंकि अभी मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वगैरह ही वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहा हूँ, सीखने सिखाने लाइक, ठीक है। और इंशाल्लाह आगे जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस, ठीक है। और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की, ठीक है। और अगर कुछ भी आपको रॉन्ग लगा है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, वैसे मैंने आपको सही इन्फॉर्मेशन दिया है, आपका मतलब चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश ये करना कि मिक्स कंटेंट यूज़ ना करें, ठीक है, उससे आपका ऑडियंस पे फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैं आप लोग बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।